आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बचे हुए 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर 1 और 1 है, तो ये 1 जो है वो क्या है, शून्यकों का योग है, और ये 1 जो है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी लिख चुका हूँ यहाँ पर। तो शून्यकों का योग जो है वो आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और शून्यकों का गुणनफल जो है आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और मैंने यहाँ सूत्र लिख दिया जिसके जरिए बहुपद ज्ञात होगा। आइए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 है, इंटू क्या होगा, एक्स होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है ना, इक्वल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हुआ, एक्स होगा, प्लस 1 इक्वल क्या हुआ, 0। ये हुआ मेरा बहुपद ज्ञात हुआ। हम लोग पाँचवा क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, एक क्या है, -1/4 है, एक 1/4 है। तो -1/4 जो है वो शून्यकों का योग है, 1/4 शून्यकों का गुणनफल मैंने लिख दिया। आइए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/4 इंटू में क्या होगा, एक्स होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, सॉरी यहाँ प्लस होगा, क्या होगा, 1/4 इक्वल क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस तो क्या होगा, प्लस होगा। अब एक्स को इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा, एक्स बाय 4 होगा, प्लस 1/4 इक्वल क्या होगा, 0 होगा, है ना। अब क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे नीचे में, तो नीचे में जब एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब 1 को 4 से डिवाइड देंगे तो कितना बार डिवाइड लगेगा, 4। अब 4 को इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा, 4x स्क्वायर, ठीक है। और सेम कंडीशन यही वाला रहेगा, ठीक है, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और 1 को इससे इंटू करेंगे x से तो क्या होगा, x होगा, तो यहाँ भी वही होगा, 1 होगा, यहाँ पर इक्वल क्या होगा, 0, 0/1 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म है ऊपर वाला, 1 से इंटू करेंगे तो कितना मान आएगा, इतना ही आएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। लेकिन ये जो 4 है इस 0 से इंटू होगा तो क्या होगा, 4 इंटू 0 होगा। तो सॉल्व एक बार और एक बार कर लेते हैं, तो क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल क्या होगा, 0। ये हो पाँचवा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये 4 जो है वो क्या है, शून्यकों का योग है, और ये 1 जो है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, एक्स होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होगा, 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4, और यहाँ पर क्या है, एक्स होगा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है, इक्वल क्या होगा, 0 होगा। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल क्या होगा, 0, ठीक है, ये वो आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने क्वेश्चन बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।